नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जनाई। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, जो भारत का नंबर वन रेलवे स्टेशन बनने का सपना देख रहा है, उस रेलवे स्टेशन की एक बहुत ही भयानक तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है, जो आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। हाल ही के दिनों में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर देखने को मिला है बहुत ही अद्भुत नज़ारा। बात करें तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, जो भारत का नंबर वन बनने जा रहा है, मेट्रो सिटी की शान मानी जाती है और सेंट्रल रेलवे बोर्ड भी इस बात को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के अंदर आधुनिक के करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट फिलहाल सालों से चल रहा है, जिसके अंदर रेलवे प्लेटफॉर्म का नवीनीकरण का भी काम किया जाता है, जो अभी फिलहाल चालू है। बात करें तो आज और है, बरसात के अंदर प्लेटफॉर्म नंबर एक पर एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जिस नज़ारे में हाल में ही बना हुआ प्लेटफॉर्म नंबर एक के ऊपर की छत के ऊपर से पानी जो बीच प्लेटफॉर्म पर ही गिर रहा है और आने जाने वाले यात्रियों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। अगर इस पानी से चलकर कोई पैसेंजर यात्री फिसल जाता है तो उसे चोट भी लगती है और उसकी जवाबदारी क्या कॉन्ट्रैक्टर की होगी या अहमदाबाद के होगी। भ्रष्टाचार की बात आती है तो हमेशा से पहला नंबर रेलवे का आता है, क्योंकि रेलवे का बजट के अनुरूप कार्य आज तक नहीं किया गया है। यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं वो भी ऊंचा नीचा आपको दिखाई पड़ेगा। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी क्या प्रजा का पैसा पानी में पाने का कार्य अहमदाबाद के और विभाग कर रहा है, यह एक बात ही बड़े निशान अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन के जवाबदार अधिकारियों के ऊपर बना हुआ है। क्या सिर्फ पास करने का ही काम उनका है? काम की क्वालिटी देखने की जवाबदारी क्या ऊपर वाला देखेगा? क्या सरकार के पैसे को इसी तरह से उड़ाते रहेंगे? इस तरह के कई सवाल खुर्जा के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है।